नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से धर्मेंद्र सिंह की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। पूर्व चेयरमैन के बेटे के लापता होने से कस्बा शौक में छाई मायूसी। सोमवार को शौक के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिवशंकर वर्मा के पुत्र धीरज वर्मा शाम 4 बजे घर से मथुरा कचहरी के लिए निकले पर घर नहीं पहुंचे। वह एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक लेने गए थे। साथ आया व्यक्ति बाइक लेकर चला आया, लेकिन धीरज घर पर नहीं पहुंचा। इसको लेकर परिजनों की चिंता हुई तो तलाश की गई। बाइक से गए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र के अचानक लापता होने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल सका। चेयरमैन के घर में गमगीन माहौल बना हुआ है, तो वहीं पिता शिवशंकर वर्मा ने कोतवाली पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी है। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश में जुटी गई है। कोतवाली प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर परिजनों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि आपका बेटा धीरज वर्मा है जो कल 4 बजे से लापता है, क्या मामला पूरा? काम से गया था, हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी काम से। 4 बजे तक वो वहाँ कचहरी छोटे अपने छोटे भाई के साथ था जो वकील है। उसके बाद वो नेशनल के ऑफिस में कोई कागज जमा कराने के लिए गया है मोटरसाइकिल से, और वहीं से कोई लोकेशन और स्विच ऑफ है, पता नहीं मोबाइल होना उनका स्विच ऑफ जा रहा है। स्विच ऑफ है, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को दी थी। क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? अभी पुलिस को बताया तो 1:30 बजे रात को लौट के आए, पुलिस लगी हुई है सब काम। अच्छा, आपको किसी को शक वगैरह कोई फ्रॉड के लिए कोई फ्रॉड के लिए फोन आया कभी? कोई फ्रॉड के लिए फोन आया हो किसी शक हुआ आपको? फोन हमारे पास अभी